कितने लोगों ने भजन सुना है? मैं गाने को आपने सुन लिया, क्या बात है। महादेवा सुना है ना? एक बार सभी लोग बोली सके दरबार की। और मैं चाहूंगा कि इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं मेरी माता बहनों के लिए, क्योंकि कल जैसे ही शिवरात्रि का पावन पर्व, अगर माता गौराना होती तो भोलेनाथ जी की शादी होती, सही बात है ना? यहाँ पर मेरी भाभियाँ उपस्थित है और उधर भैया लोग, बिना भाभी के संसार अधूरा है, सही बात है ना? क्योंकि माँ साक्षात हम यहाँ पर माँ जगत जननी जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति भाव गीत गा रहे हैं उनके चरणों में, पर उनके बिना और हमारी जो जन्म देने वाली माँ, इनके बिना सारा संसार अधूरा है, सही बात है ना? एक बात दुनिया सबसे पहले माँ बोला, क्योंकि बेटा अगर आधी रात में घर आता है तो सबसे पहले पिता पूछता है कितना कमा कर लाया है। एक बीवी पूछती है मेरे लिए क्या लेकर आए हो, सिर्फ माँ 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 कहती बेटा दिन भर से कुछ खाया है कि नहीं खाया है, ये माँ का दिल होता है, सही बात है ना? ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, तू आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में लहरावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी माता बहनों का ध्यान है क्या? बात हम लोग जयकारे इसलिए बीच बीच में लगाते हैं क्योंकि कई बार बड़े भैया जी, कई बार हमारी माता बहनें आंखें खुली रहती है पर ध्यान कहीं और होता है, सो जाती है एकदम से, तो उनको सचेत करने के लिए बार बार की यहाँ पर जागा जगराता चालू है, आप जागिए। नहीं तो क्या कहते हैं, मैं भी तो एक माँ हूँ, क्या करता, इसलिए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग दोनों हाथ खोल लीजिए, इसे कोई ठंडी का समय नहीं है, वैसे नहीं बजाना है, रिदम के साथ 1 2 3 4 नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय।
कम नंबर को जावे रे ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय कम ओ नमः शिवाय Thank you.